एक गांव में मनोहर और सरला नामक पति पत्नी रहते थे। मनोहर बहुत ही अच्छा और आदरणीय आदमी था। वो मुकेश नामक एक व्यक्ति से दूध लेके अपने घर जाता था। उस दूध को उसकी पत्नी सरला उबा के ठंडा करके एक मटके में डाल के दही बनाती थी। पति पत्नी दोनों एक छोटी दही का दुकान चलाते थे। जो पैसे दही को बेचने से मिलते थे उससे अपना जीवन चलाते थे। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद उनका दही का व्यापार अच्छा चलने लगा और बहुत लोग उनसे दही खरीदने लगे। उसके पास दही बहुत जल्दी खत्म हो जाने के कारण बाकी लोग खाली हाथ वापस घर चले जाते थे। अगर मैं मुकेश से ज्यादा दूध लूंगा तो किसी को हमारे दुकान से खाली हाथ जाने की कोई जरूरत नहीं होगा। मुकेश, मुझे ज्यादा दूध की जरूरत है, तुम्हें आज से ज्यादा दूध देना होगा। जरूर मनोहर, उसमें क्या है। ऐसे मनोहर को जितना जरूरत था उतना दूध लेके वो घर वापस चला जाता था। मनोहर का व्यापार अच्छा चल रहा होगा इसीलिए वो ज्यादा दूध लेके गया। मेरे दूध का व्यापार में कोई तरक्की नहीं हुआ। मुझसे सबसे ज्यादा दूध तो मनोहर ही लेता है, इसलिए अगर मैं दूध में पानी मिलाऊंगा तो उसे कोई शक नहीं होगा। जैसे उसने सोचा वैसे ही अगले दिन वो मनोहर को देने वाला दूध में पानी मिला के देता है और सरला हर रोज की तरह उस दूध को दही बनाती है। अगले दिन जब मनोहर ने उस दही को देखा तो वो दही टूटा हुआ बना था और अगले दिन भी वही हुआ था। सरला, आज भी दही वैसे का ही बना है, इस बात के बारे में हमें कुछ करना होगा वरना व्यापार को आगे नहीं ले जा सकेंगे। हाँ जी, पर अगर दूसरा दूध वाला भी ऐसे ही नहीं करेगा इसका क्या भरोसा। अगर हम ही गाय को लेके एक भरोसेमंद आदमी को उनका देखभाल करने के लिए रख देते तो हमें दूध के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा ना। सही सोच है सरला, बिल्कुल करेंगे। मैं कह देता हूँ उसे कि हमें अब दूध नहीं चाहिए। और उनके योजना के अनुसार वो दोनों गाय को लेकर एक भरोसेमंद आदमी को उनकी देखभाल के लिए रखते हैं। और मनोहर ये बात मुकेश को कहने के लिए निकल पड़ता है। मुकेश, मुकेश! अरे मनोहर, इस वक्त पे क्यों आए हो? कुछ नहीं, बस इतना कहने के लिए कि आज से आपको हमें दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं चाहिए दूध तुमको अब से? क्योंकि अब हमारे पास गाय है और उनके लिए एक रखवाला भी है। ऐसे कहकर मुकेश वहां से चला जाता है। अच्छे गुणवत्ता वाली दूध से दही बनाने के कारण बहुत लोग मनोहर के दुकान से खरीदते थे और इसकी वजह से उनका व्यापार भी अच्छा चलता है और वो दोनों सुख संपत्ति से जीते हैं। हर रोज की तरह जब मुकेश दूध देने बाहर निकलता है तो वो मनोहर के दुकान में दही के लिए लगी भीड़ देखता है। इस गांव में मनोहर का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है इसीलिए मेरे पास दूध बंद करके उसको अब खुद गाय को खरीदने का सक्षम है। उसका दुकान को ही बंद करवा दूंगा। ऐसे सोचकर वो अपने घर की फंक्शन में भजन के लिए बहुत लोगों को बुलाता है और दही के लिए मनोहर के दुकान को जाता है। मनोहर, मुझे एक मटका भर दही चाहिए। उतना दही क्यों मुकेश? मेरे घर में आज भजन है तो सबके लिए भोजन भी है। ऐसे कहकर वो दही लेके जाता है। घर जाते ही मनोहर के दिए हुए मटके का दही को दूसरी बर्तन में खाली करके मुकेश के दूध मिश्रण से बनाए हुए दही को उस मटके में डालता है। उसी दही को भोजन में सबको परोसता है। वो खाने के कुछ ही समय में सबको पेट दर्द करना शुरू हो जाता है और उसी समय पे गांव के जमींदार भी वहां आते हैं। सबको दर्द से तड़पते देख पूछते हैं, क्यों तुम सब ऐसे तड़प रहे हो, क्या हुआ? जब से यहाँ का दही खाया है तब से ऐसे ही तड़प रहे हैं। मुकेश, दही में क्या मिलाया तुमने? वो खा के ऐसे क्यों तड़प रहे हैं सब? प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता, ये दही मैं मनोहर से खरीद लाया। सैनिकों, तुरंत मनोहर को मेरे पास लाओ। जमींदार की आज्ञा के अनुसार सैनिक मनोहर को उनके पास लेके आते हैं।
मनोहर के साथ साथ उसकी पत्नी भी उसके पीछे जमींदार के पास आ पहुंचती है। क्या तुमने मुकेश को ये दही बेचा? जी प्रभु। तुम्हारे बेचे हुए दही के वजह से यहाँ सब दर्द के मारे तड़प रहे हैं। तुमने इसमें क्या मिलाया? मैंने आज बहुत लोगों को यही दही बेचा है, उनको कुछ नहीं हुआ। मैं दही में कुछ नहीं मिलाया प्रभु, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ। जमींदार मनोहर को बंदी घर में बंद करने की आज्ञा देते हैं और सैनिक उसे ले जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो कुछ नहीं किया। क्या इसमें मुकेश का हाथ है? ऐसे सोच ही रही थी कि उसके सामने से मुकेश अपने घर जा रहा होता है। अगर मैं मुकेश के पीछे चलूं, तो शायद कुछ पता चलेगा और इस समस्या का हल मिलेगा। और वो मुकेश का पीछा करती है। मुकेश घर जाके अपनी पत्नी को मनोहर के साथ किया हुआ बताता है। सरला सच सुनकर वहां से जा रही होती है कि बगल में छुपा दही का मटका उसे दिखता है। अरे, ये तो हमारे दुकान का दही है। इसने पूरा दही दूसरे मटके में डाल दिया। मुझे अभी ये बात जमींदार को बताना होगा। और ऐसे ही वो दही का मटका अपने साथ लेकर जमींदार को दिखाकर सब सच समझाती है। जमींदार अपने सैनिकों को मनोहर को मुक्त करके मुकेश को बंदी करने की आज्ञा देते हैं और सैनिक जमींदार का कहा मानकर मुकेश को बंदी कर देते हैं। मनोहर का व्यापार मुझसे भी अच्छा चलने की ईर्ष्या से मैंने उसके दुकान को बंद करवाने का योजना बनाया और उसके बजाय खुद मेरा दूध का व्यापार खो के यहाँ बंदी हो गया। ऐसे उसको अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी पत्नी के होशियारी और बुद्धि से मनोहर को बचाने के लिए वो बहुत खुश होता है और दोनों हमेशा की तरह अपना दही का व्यापार खुशी से करते हैं।